नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। रिसोर्स के बारे में आप लोग डिटेल में एक बार क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, तो उसी का हम लोग आगे और भी डिटेलिंग इसमें देखेंगे। रिसोर्स क्या है और रिसोर्स के मदद से हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। सो एवरी थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एड रिसोर्सेस। मैंने हर एक वो चीज़, यहाँ कहने का मतलब है कि हर एक वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में आपके आसपास अवेलेबल है और आपके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के आधार पे। वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, आपके समाज के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो रिसोर्स कहलाती है। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक तरफ है टेक्नोलॉजी, एक तरफ है इंस्टीट्यूशन यानी संस्था जिस समाज में हम रहते हैं, और एक तरफ है फिजिकल इन्वायरमेंट। और ये तीनों को ह्यूमन बीइंग को रिलेट करता है एक दूसरे पे, एक दूसरे से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, और ये तीनों एक दूसरे से दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंट्रैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। ये जो चीज़ें अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना और टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फिर इसको यूज़ करना, ये प्रोसेस करने के बाद ही ये चीज़ें जो है हमारे लिए रिसोर्सेस हो पाती है। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंट्रैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये तीनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, और ये इंटर रिलेशनशिप ही है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी चीज़ों को अपने यूज़ के लायक बनाना। सो ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो ह्यूमन बींग है वो नेचर की चीज़ों को उठाता है, फिर टेक्नोलॉजी की मदद से उसे अपने यूज के लायक बनाता है, और इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? दे आर नॉट। जितने भी रिसोर्सेस हैं ये नेचर के द्वारा, क्या आप ये ज्यूम करते हैं कि ये फ्री दिया गया है? तो दे आर नॉट, ये फ्री नहीं है। तो जितने भी चीज़ें हैं वो रिसोर्स है, गिफ्ट हमें मिला है, लेकिन ये फ्री नहीं है। रिसोर्सेस आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है, एंड ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। और ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप में एक इसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेस के लिए। सो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। जैसा कि पीछे हम लोग देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से इसे यूज़ के लायक बनाता है, और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन की मदद से इसको एक्सेलरेट करता है। सो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन टू रिसोर्सेस एंड यूज देम। ये क्या करता है, ह्यूमन बींग क्या करता है कि ये मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है। किस रूप में बदलता है? तो उसको अपने यूज के रूप में, कि उसे यूज किया जा सके।
ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम क्लास 8 में भी देख चुके हैं, ये जितने भी रिसोर्सेस हैं इनको क्लासिफाई किया गया है उसके बेसिस पे। अगर आप देखें तो आप अपने क्लास में या अपने आसपास किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आधार होता है, गेम का कैटेगरी डिसाइड होता है एज ग्रुप पे, वेट के आधार पे वेट ग्रुप होता है। फिर उसके अलावा अगर आप अपने आसपास देखें तो आपका समाज जो होता है वो कहीं ना कहीं जाति आधारित है, आपका धर्म आधारित है। तो ये सारे चीज़ें इसको कहते हैं बेस, यानी किस आधार पे आप इसको बांट रहे हैं। तो वैसे ही रिसोर्सेस का भी बेस है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कैसे इसका जन्म हुआ है, तो उसके हिसाब से बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ख़त्म होगा या नहीं, तो उसके हिसाब से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पे, तो इंडिविजुअल अकेला, कम्युनिटी यानी ग्रुप वाला, नेशनल यानी देश का, इंटरनेशनल यानी पूरे विश्व का। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पे क्या कितना वो डेवलप है या नहीं है, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्ड। तो पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, इस तरीके से चार पार्ट में बैठे। यहाँ देखिए पूरा इसका एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, आप इस फ्लो चार्ट को अपने पास कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो कहा जाता है कि अब इसके हिसाब से आप क्या कीजिए कि ये जो जितने भी ऑन द बेसिस दिए हुए हैं, जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं, उसके हिसाब से हर एक का दो दो एग्जाम्पल आप लिखिए और पता कीजिए कि आपके आसपास ये चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेस में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जब हम देखते हैं तो पहला आता है आपका बायोटिक रिसोर्सेस, यानी कि दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फेयर, ये बायोस्फेयर से ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें आपके जितने भी नेचुरल चीज़ हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, तो ये सभी बायोटिक रिसोर्सेस हैं। दूसरा है आपका एबायोटिक रिसोर्सेस, मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो बायोटिक में आपका आ रहा था जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, बायोस्फेयर में जितने भी प्रकृति प्रदत्त लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं, और एबायोटिक रिसोर्सेस में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एबायोटिक रिसोर्सेस हैं, एग्जांपल के तौर पर रॉक एंड मेटल। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ कितना जल्दी ख़त्म हो सकता है, यानी कि उसके ख़त्म होने के आधार पे, तो पहला आपका हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। यानी रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल, देख वर्ड को थोड़ा ब्रेक करके आप देखेंगे रिन्यूएबल, यानी दो फिर अगेन एंड अगेन उसको रिन्यू किया जा करने योग्य। तो द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि वैसा रिसोर्सेस जिसको फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो रिप्लेनिशेबल है यानी पुनर् प्राप्त करने योग्य है, एग्जाम्पल के तौर पे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्सेस मे फर्दर बी डिवाइडेड इंटू कंटिन्यूअस और फ्लो। अब दूसरा जो है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो नॉन रिन्यूएबल मीन्स नॉन नहीं, रिन्यूएबल जो दोबारा रिन्यू होने लायक नहीं हो। सो दिज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जो
एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम के बाद जो अकर होता है, पुनर्प्राप्त होता है, जो आपके लाइफ स्पेन से काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारे लाइफ स्पेन से काफ़ी ज़्यादा होता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेस, जो कोई एक दिन में क्रिएट नहीं होता है। लाखों करोड़ों साल तक ये ज़मीन के अंदर जब पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स दबते हैं, तब जाके ये फॉसिल फ्यूल्स बनता है। सो दीज रिसोर्सेस लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, सम ऑफ द रिसोर्सेस लाइक मेटल आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं मेटल से रिलेटेड जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, पर जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो तो सब एग्जॉस्टेबल हैं, वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते।